दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ने इंसान को एक ही ज़िंदगी अता की है और इस ज़िंदगी के अंदर इंसान को चाहिए कि वो खालिक हकीकी का बताया हुआ रास्ता अपनाए और अपनी आखिरत की तैयारी करे और इस अनमोल ज़िंदगी को बेकार ख़त्म मत करे, क्योंकि इंसान जहाँ इबादत करता है वहीं पर अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए भी बहुत अहम होता है। लेकिन कुछ लोग शायद इस हकीकत को समझने से इनकारी होते हैं और लगातार अपनी ज़िंदगी को मौत के मुँह में धकेलने की कोशिशें करते फिरते हैं। आप इस वक्त जो ज़ेर नज़र वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर एक ऐसा ही नौजवान है जो कि पुराने मॉडल की एक टोयोटा क्रोला व्हाइट कलर की कार के अंदर मौजूद है और अपने किसी यार दोस्त की शादी में लगातार अटखेलियां करता जा रहा है। दोस्तों, जो लड़का वीडियो बना रहा है वो भी इनको मजीद शह देता जा रहा है और ये लोग मेन रोड पर, जो काफी बिजी रोड है और वहां पर अच्छी खासी ट्रैफिक चल रही है, कहीं से ट्रक आ रहा है, कहीं से ट्रॉली आ रही है, इस तरह की सड़क पर, इस बिजी सड़क पर ये लगातार करतब दिखाने की घटिया कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अचानक इससे गाड़ी बेकाबू हो गई और एक रिक्शे के अंदर जा लगी। दोस्तों, ये खुशी का मौका होता है शादी ब्याह या दीगर तकरीबात का, लेकिन कुछ लोग अपनी बेवकूफ़ी और अपने घटियापन की बदौलत ऐसे ज़बरदस्त मौके पर भी कोई ऐसा टीटी शो लगा देते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे मज़े किरकिरे होकर रह जाते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि अगर इस गाड़ी के अंदर दूल्हा मौजूद हुआ और दूल्हे को कोई सीरियस किस्म की चोट आ गई तो बताइए कि दुल्हन का क्या हाल होगा और उसके माँ बाप का क्या हाल होगा जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस दूल्हे की शादी पर लगा दी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह के मौके से परहेज करना चाहिए और इस तरह के लोगों को डिमोटिवेट करना चाहिए ताकि वो इस तरह की घटिया हरकतें न करें।